Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Class, today we will start unit 4, decimal numbers and percentages. Okay, first part is decimal numbers. Decimal numbers ek aisi fraction hoti hai jiske denominator mein hamare paas 10, 100 aur 1000 up to so on numbers hote hain. Decimal number ke दो पार्ट्स होते हैं जिसको डेसिमल पॉइंट जो है वो सेपरेट करता है. ठीक है, डेसिमल पॉइंट जो है वो डेसिमल के दो पार्ट्स को सेपरेट करता है. जो पहला पार्ट आता है उसे बोलते हैं होल नंबर, जो लेफ्ट साइड पे होता है वो है होल नंबर. ठीक है, और जो डेसिमल पॉइंट के बाद है वो है डेसिमल डिजिट्स होते हैं. तो डेसिमल पॉइंट जो है ये इन दोनों को सेपरेट करता है. ठीक है, और जो डेसिमल पॉइंट लिखने का वे है वो ये है कि यहाँ पे आपके पास यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, ये तो आपके पास सेम पैटर्न में आता है. फिर आ जाता है डेसिमल पॉइंट और उसकी जो राइट साइड पे डिजिट्स हैं उनके लिए आपके पास होता है टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स. ठीक है, तो ये इसको लिखने का तरीका है. अब आपके पास एक्सरसाइज वन है कि ऐड द फॉलोइंग नंबर्स. आपने ऐड इनको सेम वे में करना है, यूनिट, टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स लिख के नीचे फोर पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए. ओके, 4.692 प्लस 3.100, तो ये ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 7.792. ओके, इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज टू है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स. एक्सरसाइज टू में क्या सब्ट्रैक्शन करनी है. ठीक है, ये भी आप सेम वे में करेंगे. इसमें जो जी पार्ट था, जी पार्ट में है कि व्हाट शुड बी एडेड टू 53.367 टू गेट 90.562. कि 53.367 में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारा जो रिज़ल्ट आए वो 90.562 आए. तो उसके लिए आपने क्या करना है कि 90.562 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है 53.367 को, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका डिज़ायर्ड आंसर होगा. ओके, देन हमारे पास एच पार्ट था सब्ट्रैक्ट 373.992 फ्रॉम 592.993. कि आपने 592 में से माइनस कर 592.993 में से माइनस करना है 373.992. फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू जो है वो हमेशा ऊपर लिखी जाती है और जो फ्रॉम से पहले होती है वो नीचे लिख के सब्ट्रैक्शन की जाती है. ओके, आपकी हर एक्सरसाइज जो है वो न्यू पेज से स्टार्ट होनी चाहिए. ओके, एक्सरसाइज थ्री, फोर और फाइव में यह है कि आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है 10, 100 और 1000 से. ठीक है, जब भी आप नंबर को 10 से या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा कि वन डेसिमल प्लेस जो है वो राइट साइड पे मूव कर जाएगा. ठीक है, अब जैसे 10 से करेंगे तो 3.5678 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट जो है वो वन डेसिमल प्लेस फॉरवर्ड मूव करेगा, तो आंसर आ जाएगा 35.678. ओके, सेकेंड पार्ट है जो 0.0078, जब इसको 10 से मूव किया तो एक प्लेस ये फॉरवर्ड जाएगा, तो ये आएगा 0.078. पहले तो ये डबल ज़ीरो आएगा ना, तो आपको एक ही ज़ीरो लिखने की ज़रूरत है, डबल ज़ीरो नहीं लिखते. ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.078. उसके बाद जो हमारे पास एक्सरसाइज फोर है उसमें था कि मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो दो ज़ीरो है 100 में, तो इसका मतलब है दो डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो फॉरवर्ड जाएगा, तो ये आएगा 7.896 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 789.67. ओके, 0.27 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो 27. बाकी के पार्ट्स आपने कंप्लीट करने हैं. एक्सरसाइज फाइव में 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब थ्री डेसिमल प्लेसेस आगे फॉरवर्ड जाएगा, तो ये आएगा 89.497 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 89,497. ओके, 0.00001 को जब 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आएगा 0.01. ओके, बाकी के पार्ट्स आपने कंप्लीट करने हैं कॉपी पे. एक्सरसाइज सिक्स में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट नंबर नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड विथ 0.006 टू गेट 6. कि हमें सिर्फ 6 लाना है. ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है और अगर हमें डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लाना है तो इसका मतलब है हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1, 2, 3, तो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है,
और 62.22 को जब हमें 622 बनाना है तो हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, इसका मतलब है लास्ट पे है। तो लास्ट के लिए एक ही डिजिट आगे जाना है तो 10 से करना है, ठीक है। 320.10 को आपने 32010 बनाना है तो उसके लिए हमने कितने डेसिमल प्लेसेस आगे जाने हैं, 2। तो 2 डेसिमल प्लेसेस आगे जाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो इसके बाकी के जो पोर्शंस हैं वो आप लोग पार्ट्स हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू।